हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कोई फिजिकल प्रॉब्लम हमारे दिमाग पे हावी हो सकती है और उससे उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ में किस तरीके से होता है। ये इंसिडेंट है मेरे और एक अंकल के बीच का के डिस्कशन का, जहां पे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की। उन अंकल की उम्र करीब 55 साल के आसपास है। तो उन्होंने बताया कि उनका एक हाथ और एक पैर सुन हो जाता है और जब वो चलते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है कि उनको पैरालिसिस तो नहीं है, हालांकि है नहीं ऐसा। उसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही उन्हें यूरिन का प्रेशर बनता है, वो इतना तेज बनता है कि वो पैनिक हो जाते हैं और दौड़कर टॉयलेट की तरफ जाते हैं, जिसको देख के किसी को भी एबनॉर्मल सा लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है। अब इसकी वजह से जो उनके दिमाग में चलता है उसकी बात करते हैं। एक चीज कि टॉयलेट बार बार ना जाना पड़े क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उन्होंने पानी पीना बहुत कम कर दिया। वो कहते थे, उन्होंने कहा कि करीब करीब 2 से 3 ग्लास पानी मैं दिन में पीता हूं ताकि कम से कम मुझे टॉयलेट जाना पड़े। कम पानी पीने से बॉडी के अंदर कई सारी और फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, पर उनको कोई फिक्र नहीं है इस बात की, क्योंकि इंपॉर्टेंट उनके लिए यह है कि टॉयलेट कम से कम जाना पड़े, पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो और एबनॉर्मल ना दिखे सब कुछ। दूसरी मेजर प्रॉब्लम कि ये थॉट बार बार रिपीट होता है उनके दिमाग में कि जब भी मैं टॉयलेट जाऊंगा तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और कहीं ये टॉयलेट कहीं यूरिन जो है मेरे कपड़ों में ना निकल जाए। अगर यूरिन कपड़ों में निकल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि आदमी इतना बड़ा हो गया, इसको अकल नहीं कि ये कपड़ों में यूरिन पास कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मैंने उनसे सिर्फ नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन पूछे, क्या कभी यूरिन कपड़ों में पास हुआ है इससे पहले? तो उन्होंने कहा नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि जो चीज आज तक नहीं हुई कभी, उसका उनके दिमाग पे इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि अगर कपड़ों में यूरिन पास हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन मैंने उनको ये दिया कि आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप बाहर जाते हैं तो अपने साथ एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े साथ लेके जा सकते हैं। बाय चांस कभी ऐसा हो कि यूरिन निकल जाए कपड़ों में, तो भी आपके पास चेंज करने का ऑप्शन होगा। निकला नहीं है, पर अगर निकल गया तो वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस चीज का, बट बहुत हल्का फुल्का फर्क है, कुछ खास अभी तक फर्क नहीं पड़ा। तो फिजिकल जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो तो ले ही रहे हैं, उसका तो कुछ हो नहीं सकता, पर जो दिमाग पे असर पड़ रहा है उसको कैसे डील किया जा सकता है, उसके बारे में मैंने एक छोटी सी बात तो ये कही कि आप कपड़े साथ में कैरी करें। दूसरा मैंने कहा कि आपको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी कि जब भी ये थॉट आपको आए कि यूरिन कपड़ों में पास हो गया तो क्या होगा, तो ये सोचना है कि आज तक तो कभी हुआ नहीं, और अगर हो भी गया तो मेरे पास एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े हैं, उसको यूज कर लूंगा। हम उस पैनिक वाली सिचुएशन से क्रिएट बाहर निकल आएंगे और बार बार हमारे दिमाग में ये सब नहीं चलेगा, अगर हमने अपने माइंड पे काम कर लिया, उसको इस तरह ट्रेन कर दिया कि प्रॉब्लम है ही नहीं, हम सिर्फ हमारे दिमाग में चल रही।